नमस्कार, मैं जावेद अंसारी। आज हमारे साथ तीन खास शख्सें मौजूद हैं। मैं सबसे बात करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा यंग इंडिया आखिर है क्या। सबसे पहले बात स्थानीय पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह जी से। एक छोटा सा सवाल, पिछले दिनों आपने एक कार्यक्रम किया, 50,000 की भीड़ थी, उसमें यंग इंडिया का क्या रोल था? मैं दावे के साथ कहता हूँ, और प्रशासन से भी आप जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें 70% युवा थे। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक। 70% युवाओं के साथ 50,000 का प्रदर्शन, वो भी मऊगंज जैसी जगह में विधायक न होते हुए, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। हाल के दिनों में रीवा में इतनी भीड़ नहीं देखी गई। हमारे साथ यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, मुद्गल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष। ये बताइए, यंग इंडिया लेके तो आप लोग आ गए, सड़कों पे यंग इंडिया क्यों नहीं दिखती? सड़कों पे यंग इंडिया सबसे ज़्यादा युवा कांग्रेस में ही दिखती है। इसके सच्चा जीता जाता सबूत हमारे प्रेस के बंधु हैं, क्योंकि युवा कांग्रेस ने कोरोना काल में जितना काम किया किसी और संगठन ने कहीं भी काम नहीं किया। मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली की धरती तक, ऑक्सीजन से लेके एडमिट कराने तक, वे दवाइयों से लेके उनकी जान बचाने तक युवा कांग्रेस का संगठन खड़ा रहा है और आज भी खड़ा है। और जहां काम करना था जिनकी सरकारें थी भाजपा की, वो मूक दर्शक बने तालियां बजा रहे थे अपने घर में टीवी चैनल में लोगों की लाशें देखकर। हृदय से दुख होता है हमें इस बात का। अकेले केवल घर में थे, हम लोग सड़क में थे। इसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों जो विपत्ति आई थी कोरोना की, उसको देखकर उस दौरान जिसने भी वहां पर सेवा की, देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है आपके इस बात में काफ़ी सच्चाई भी हो सकती है। जिस तरीके से जो माहौल था वो अपने आप में काफ़ी डरावने वाला था। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँ, उसके पहले आपको उनके बारे में बता दूँ। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली से आई हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, पेशे से वकील हैं। पराग जी, पराग शर्मा जी आपका नाम है। आप ये बताइए, जिस तरीके से लगातार अगर किसी भी टीवी चैनल को देखा जाए तो कांग्रेस के लोग उतनी गंभीरता से अपनी बात को नहीं रख पाते जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की या अन्य लोग रखते हैं, तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? नहीं, इस सवाल को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आज पूरे देश की मीडिया दिखा क्या रही है, क्यों इस मीडिया का नाम एक आम जन ने गोदी मीडिया रख दिया है, क्यों NDTV सबसे पहले गोदी मीडिया करके बोलता है कि गोदी मीडिया क्या दिखाती है, वो सिर्फ मोदी जी को दिखाती है। वो आज जो देश के हालात हैं उसमें मोदी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है, जो देश के दुर्दशा को दिखाने की जगह छुपाती है और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को पुरस्कृत करती रहती है, उन्हें इनाम देती रहती है देश को बर्बाद करने के लिए। मैं कहती हूँ आज देश का युवा एकजुट होकर अगर जिम्मेदारी से अपनी बात रखे और मीडिया उसे दिखाए तो ये सरकार आज फेल हो जाए, ये सरकार गिर जाए बहुमत होते हुए भी। सरकार से जुड़े हुए आज के सारे टीवी चैनल हैं, इसीलिए मीडिया का नाम बदल के गोदी मीडिया रख दिया गया। ये गंभीर आरोप भी हो सकता है मीडिया के लिए। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे बातचीत करना भी जायज़ होगा। पंजाब में आपने सरकार में जो भी मुखिया थे उनको बदला है, कुछ इस तरीके की बातचीत राजस्थान में भी चल रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे बदल रही है? नहीं, देखिए, फेर बदल तो चलते ही रहते हैं, राजनीति है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, 9.5 साल उनको एक मुख्यमंत्री के पद से नवाजा है कांग्रेस पार्टी ने और उनके सहयोग को सराहा है। और इसी तरीके से एक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए जगह बनाती है, वही जगह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आगे चन्नी साहब के लिए बनाई है। राष्ट्रीय मुद्दों से हट के हम बात करते हैं रीवा की। रीवा में आपका आना हुआ है, यंग इंडिया को लेकर आ पाई, तो यंग इंडिया के बारे में जरा दर्शकों को हमारे बताएं। देखिए, यंग इंडिया के बोल एक ऐसा भाषण प्रतियोगिता है जहाँ पे हमने
18 साल से 35 साल के युवाओं को और युवतियों को मौका दिया है, खुला मंच दिया है, जिसके तहत वो अपनी बात सरकार के आगे पहुंचा सकें और जन जन तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, उन्हें बता सकें कि आज सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, किस प्रकार सरकार उन जिम्मेदारियों से मुंह फेरे बैठी है। देश का युवा बेरोजगार है मगर सरकार मौन है। जो हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, ये गूगल फॉर्म है, उसको फिल किया जा रहा है एक लिंक के द्वारा, ये हम शेयर करते हैं जिससे फॉर्म फिल होता है। इनके वीडियोस बनेंगे और 5 अक्टूबर तक पहले चरण में हम लोग हर जिले स्तर पर, हर प्रदेश के हर जिले तक हम अपनी टीम को नियुक्त करके वहाँ से प्रवक्ताओं का चयन करेंगे और इसके बाद बेहतरीन 5 प्रवक्ताओं को प्रदेश में प्रवक्ता के पद से नवाजा जाएगा और बेहतरीन 5 प्रदेश प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता के दौर में शामिल होने के लिए 15 नवंबर की तारीख को दिल्ली में आमंत्रित किया जाएगा। यंग इंडिया, हमारा पूरा फोकस उन नौजवानों पर है जो देश की समस्याओं से लगातार जूझते रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन समस्याओं को समझते हैं, जनता के बीच मिलने जाना है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों, जिन दावों को लेकर आई थी, उसमें एक भी सफल होते हुए नहीं दिखे। इन्हीं बातों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे, तभी इस देश का भला होगा, उन युवाओं का भला होगा जो नौकरी की तलाश में हैं, उनका भला होगा जो किसी भी तरीके के काम धंधे करना चाहते हैं। यंग इंडिया ये काम बखूबी करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा यंग इंडिया का, जो भी कांग्रेस का ये एक नया पैटर्न है, हालांकि देखने सुनने में काफ़ी बेहतर दिख रहा है, किस तरीके से ज़मीन पर दिखाई देगा, हम उस पर भी लगातार नज़र बना कर रखेंगे।